हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद अंजनी। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे छिलके वाली साबुत मसूर दाल तड़का। बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत लाजवाब होती है। फ्रेंड्स, साबुत मसूर की दाल बहुत ही फायदेमंद होती है। इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। तो मैंने यहाँ 2 कप मसूर दाल को ओवरनाइट के लिए भिगो के रखा था। ये अच्छे से फूल चुका है तो इसे हम अच्छे से धुल लेंगे और एक प्रेशर कुकर में इसे डाल देंगे। साथ ही हम डालेंगे 2 ग्लास पानी। इसके बाद डाल देंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। और इसके बाद हम इसमें 3 से 4 सीटी आने तक इसे हम बॉयल कर लेंगे। तो चलिए इसे उबाल लेते हैं। तो अब हम इसके तड़का के लिए प्याज को कट कर लेंगे। तो मैंने 1 बड़े साइज को प्याज को इस तरीके से लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। ध्यान रहे प्याज एकदम से बारीक काटना है। साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है टमाटर, तो मैंने 2 बड़े साइज टमाटर का इस्तेमाल किया है। उसे भी इस तरीके से लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लेना है। थोड़ा सा अदरक लिया है और लहसुन, इन्हें भी कट कर लेंगे। तो दाल इधर हमारी पक चुकी है अच्छे से, चलिए इसे चेक कर लेते हैं। तो दाल को हमें मिक्स नहीं करना है, जब ये कुक हो जाए तो इस तरीके से हम चेक कर लें। तो दाल बढ़िया से एकदम गल चुकी है, तो चलिए इसे अब हम साइड में रख देंगे। गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे हम सरसों का ऑयल। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है। तेल आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हो। उसके बाद डाला है 1 चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता। साथ ही इसमें हम डाल देंगे कटी हुई लहसुन को। लहसुन से बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। साथ ही यहाँ पे मैंने 7 से 8 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। उसे बीच से चीरा लगा के उसे भी हम तेल में फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन और हरी मिर्च थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो उसके बाद इसमें हम डालेंगे हींग। तो हींग यहाँ पे मैंने 2 पिंच हींग का इस्तेमाल किया है। साथ ही इसमें हम लेंगे फ्रेश कड़ी पत्ता। इसके बाद हम प्याज को इसमें डाल देंगे। प्याज को हमें फ्राई करना है। फ्रेंड्स, इस तरीके से तड़का बनाइएगा ना, यकीन मानिए आप ढाबे वाली तड़के वाली दाल को भूल जाएंगे। बहुत ही लाजवाब लगती है। तो आप एक बार इस तड़का को ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए प्याज को हम इस तरीके से ढक के पका लेते हैं। ढकने से क्या होता है ना कि प्याज थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो एक बार मैंने इसे चला लिया है और फिर से इसे इस तरीके से ढक के पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज में कलर आ चुका है, ये थोड़े गोल्डन हो चुके हैं। तो इसे एक बार फिर से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और अब हम यहीं पे डालेंगे इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम तेल में फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पे लो कर देंगे ताकि मसाले नीचे से जले नहीं। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे यहाँ पे ये कटे हुए टमाटर, इसे भी हम बढ़िया से मसाले के साथ भून लेंगे। फ्रेंड्स, मसूर दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है तो इससे हमारी सेहत को बहुत ही फायदेमंद, ये हमारी सेहत के लिए होता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है कश्मीरी मिर्च पाउडर कलर के लिए और थोड़ा नमक डाल देंगे। ध्यान रहे हमने दाल में भी नमक डाला था, तो यहाँ पे नमक हम बस तड़के के हिसाब से ही नमक डालेंगे। इसे ढक के पकाएंगे तो 1 से 2 मिनट में ही ये टमाटर बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम टमाटर को मैश करना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए टमाटर बढ़िया से गल चुके हैं, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं तड़का हमारा अच्छे से पक चुका है। तो यहीं पे हम डाल देंगे ये जो हमने दाल को कुक करके रखा है उसे। तो ये देखिए इसे इस तरीके से हम डाल देंगे और मैंने साइड में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हम पानी गर्म ही डालेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रहे। इससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, एक तो दाल हमारी अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो दाल को हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग दाल की कंसिस्टेंसी को रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी इस्तेमाल किया है। गर्म पानी से इसका जो कलर टेक्स्चर होता है ना वो भी एकदम मेंटेन होकर रहता है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया इसमें कलर आ रही है धीरे धीरे। ये देखिए जैसे जैसे ये पकेगी इसमें एक बढ़िया सी कलर भी आएगी।
तो चलिए यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है, उसके बाद ढक्कन लगा के इसे ढक देंगे और एक उबाल आने के बाद इसे हम फिर से चला लेंगे। ये देखिए तो दाल बढ़िया से ये देखिए उबल चुकी है। तो यहीं पे हम डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी फ्रेंड्स डालने से इसका स्वाद दो गुना बढ़ जाएगा, तो अगर हो तो जरूर से डालें। इसे भी हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स ये छिलके वाली दाल ना कोलेस्ट्रॉल को भी घटाने में बहुत हेल्प कर लेता है, साथ ही यह शुगर को भी बैलेंस करके रखता है। तो आप इस तरीके से छिलके वाली दाल का सेवन जरूर करें। उसके बाद इसमें मैंने डाला है यहाँ पे बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, उसे भी डाल के हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। गैस को मैंने कर दिया है बंद। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी मिक्स किया था, वो क्लिप छूट गई है, आप जरूर से डालें। तो चलिए कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो इसे मैंने यहाँ सिंपल राइस और रोटी के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इसे पराठे के साथ भी खा सकते हैं, पूरी के साथ भी खा सकते हैं, इसके साथ कोई और सब्जी की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और